संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार हंगामे की वजह से संसद ठप है। दूसरे चरण के 11वें दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं विपक्ष जेपीसी जांच की मांग करते हुए लगातार हंगामा कर रहा है। अब इसमें राहुल की सदस्यता का मामला भी जुड़ गया। सब मिलके डेमोक्रेसी के हिफाजत के लिए, संविधान के रक्षा के लिए और जनता के मुद्दों को लेकर महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर हम लड़ रहे हैं और सभी पार्टियां इन मुद्दों पे वो एक बैठक हुई है। उस बैठक में ये तय हुआ है खड़गे जी के यहाँ पर कि ऐसे कुछ बात नहीं कही जाएगी जिससे एक दूसरे की पार्टी की भावना को ठेस पहुंचे। इसको कैसे देखते हैं सर? खास तौर से अच्छी बात है, हमारी एकता जो है अखंड रहेगी। मेरी आज राहुल जी से भी बात हो गई है और मुझे लगता है ये ठीक हो रहा है। और इससे लगता है कि विपक्ष एकता और मजबूत होगी और लड़ाई डेफिनेटली लड़ाई हमारी सावरकर साहब से नहीं है, मोदी जी से। मोदी सरनेम को लेकर राहुल के बयान पर आज बीजेपी से जुड़े ओबीसी सांसद संसद भवन परिसर में अपना विरोध जता रहे हैं। इन सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता छीन गई। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। सर, विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी के आप लोग पीछे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी के पीछे हम नहीं हैं, राहुल गांधी के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन है, राहुल गांधी के पीछे नाम्स है, सबका एक्ट एक ही होता है। वही एक्ट पर आज न्यायस्थान लीगली जो एक्शन लेना पड़ा, हमारा कोई संबंध नहीं केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी से, राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है। हम कोई इनके खिलाफ कोई एक्ट हम अमल नहीं कर रहे। पहले संसद की सदस्यता उनसे ली गई, हम नहीं लिए, हम लिए। कोर्ट से पूछना है, कोर्ट में पूछने का विषय, हमारा से पूछो तो क्या होता है? फिर उसके बाद उनका सांसद क्यों गया, कोर्ट से पूछना है जाके हो तो हमारा क्यों पूछ रहे हो? बंगला भी खाली करने का नहीं, मैं राजनीति दलों से, जितने भी विपक्षी दलों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप किससे पूछना है? उनका सांसद का जो मेंबरशिप चले गया, हमारा कारण नहीं गया वो, उनका गलती के कारण, जो कोर्ट जजमेंट के कारण वो सांसद का मेंबरशिप चला गया। आप पूछना है तो लड़ो, को राजनीतिक दृष्टिकोण से बंगला भी लीगली, लीगली लड़ना है, बंगला भी खाली करना है। सबको सबको यही होता है, जो भी सदस्य नहीं है सब खाली करना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, ये प्रधानमंत्री का बेटा है, ये प्रधानमंत्री का पोता है, उसके लिए अलग कानून होना चाहिए, कभी कोई नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सबके सदस्यों को एक ही अधिकार है, सबके एमएलए है तो उनका एक ही अधिकार है, सभी सिटीजन को एक ही अधिकार होता है, पोताओं को बेटाओं को अलग अधिकार नहीं लिखा है। अब राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग हो रही है सर, पहले बयान को लेकर फिर उसको ओबीसी समाज को लेकर। बिल्कुल, और जो गलत बात बोले हैं उसका कोर्ट में बात करना है, कोर्ट में लाना है, कोर्ट में जाना है, कोर्ट में उनका जजमेंट है, उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, उनका अधिकार है, कोर्ट में लड़ना है। राजनीति लड़ से हमारा क्या फायदा, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा सरकार का, हमारा पार्टी का, हमारा प्रधानमंत्री जी का, राहुल गांधी के विषय पर कोई लेना देना नहीं है। जो कोर्ट जजमेंट दिया है ऑटोमेटिकली इधर मेंबरशिप लूज होता है, यही लोकसभा ने किया है। आप ये बताइए कि क्या राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का उन्होंने जो है अपमान नहीं किया, नीरव मोदी टाइप के जो लोग हैं उनका अपमान किया है और आप लोग जानबूझकर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? आप नोट करना, उनका भाषण बार बार टीवी चैनल दिखा रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि सारे चोरों के नाम के सामने यही क्यों आते हैं, तो ओबीसी समाज के लिए कहना कि जितने भी चोर हैं, अरे आप माँ बेटा बेल पर हो, सबसे बड़े चोर तो आप हो, आप नेशनल हराल्ड वाले मामले में बेल पर हो, पहले 6-7 और बेल पर मुकदमों में आप हो, तो बेल कोर्ट से कौन लेता है, जो चोर लेते हैं, सबसे बड़े चोर तो आप हो। लेकिन इससे पहले इनके अधीर रंजन चौधरी ने इन्हीं के शय पर माननीय राष्ट्रपति के बारे में अभद्र टिप्पणी की, उनका अपमान करने की कोशिश की, ना एससी को बख्शते हैं, ना आदिवासी को बख्शते हैं, ना ओबीसी को बख्शते हैं। आपने 55 साल शासन किया है, अब ये लड़ाई को संसद से ले जाके सड़क तक आप ले जाने की तैयारी है? निश्चित रूप से ओबीसी समाज प्रताड़ना सहता रहा है, पिछड़ा रहा है, आज उनको हक और अधिकार मिलने लगा है तो ये पचा नहीं पा रहे हैं। आपने उनके लिए कुछ किया नहीं है तो इसके लिए देश से उन लोगों को माफी मांगो,
हमारी दादी से, हमारे नाना से भूल हो गई थी, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। उसको सुधारने की कोशिश करने की बजाय कहते हैं ये सब के सब चोर यही क्यों हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा अभी समाज का जी।